बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर एक बयान दिया, जिसे लेकर भारत की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेसी नेताओं ने मांग की है कि अमित मालवीय देश की जनता से माफी मांगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने आग्रह किया है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्याओं के संदर्भ में असंवेदनशील टिप्पणियां करने के लिए सत्तारूढ़ दल की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा है। दरअसल मालवीय ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा था, इससे पहले कि कांग्रेस ये दावा करे कि उनके अपने नेताओं की हत्या हुई है, तो मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूं कि उनके नेताओं द्वारा लिए गए राजनीतिक निर्णय के कारण उनकी हत्या की गई है। प्रधानमंत्री रहते हुए भी कई बार इंदिरा गांधी के काफिले पर पथराव हुआ। इंदिरा और राजीव दोनों के साथ बहुत दुखद घटनाएं हुई, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन गांधी परिवार की संतानें आज वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत और हमले की कामना कर रही हैं। वहीं जिसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। जयराम रमेश ने मालवीय की टिप्पणी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अमित मालवीय ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं का उल्लेख करते हुए अपने बयान में असंवेदनशीलता दिखाई है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि भाजपा नेतृत्व को अमित मालवीय की टिप्पणियों पर अपना बयान देना चाहिए। जयराम रमेश ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमित मालवीय को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जयराम रमेश ने अपने पत्र में आगे लिखा कि अगर भाजपा वास्तव में हमारे देश के इतिहास और नेताओं का सम्मान करती है, तो मैं अनुरोध करता हूं कि अमित मालवीय को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। मालवीय ने घिनौना और अपमानजनक बयान दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने अमित मालवीय को बड़बोला बता दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सरदार बेद सिंह की हत्या उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण हुई? क्या भाजपा नेतृत्व अपने नेता के इस बयान का समर्थन करता है? क्या हमें भाजपा की देश विरोधी मानसिकता का कोई और प्रमाण चाहिए? उधर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी अमित मालवीय की टिप्पणी की आलोचना की है। पूर्व वित्त मंत्री ने भाजपा नेता के बयानों पर चिंता जताई है। इसी के साथ पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मैं अमित मालवीय के बयान की निंदा करता हूं। क्या भाजपा नेतृत्व अमित मालवीय के बयान का समर्थन करता है? लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अमित मालवीय को अपना बयान तुरंत वापस लेना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।